सो हेलो गाइस, कैसा आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का प्रैक्टिस सेट 13 प्रैक्टिस सेट, इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट हो गया है। तो जो भी नए कैंडिडेट है, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है? तो नए वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है? तो देखिए, ये थंबनेल में आप लोग देख ही चुके होंगे कि NBMR या SSR AASR, ठीक है, और वाई ग्रुप के जो भी तैयारी करते हैं, जो भी कंपिटेटिव एग्जाम GK पूछा जाता है सेक्शन में, आप लोग 25 क्वेश्चन, यहाँ 25 क्वेश्चन आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट में करते हैं, ठीक। यहाँ तक कि 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ठीक, 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है अभी तक भी। तो आप लोग 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, नहीं देखे हैं तो डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डिस्कशन बॉक्स में, इस वीडियो का डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप लोग डायरेक्टली और सिंपली देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल पूरा वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्कशन बॉक्स में इस वीडियो के, तो आप पूरा सिंपली देख सकते हैं। तो देखिए, आज का प्रैक्टिस सेट ये 13 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस सेट 13, और PDF इसका लेने के लिए आपको, इसका PDF लेने के लिए आप लोग सीधे आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। आप लोग ज्वाइन के लिए टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ से डायरेक्टली आप लोग PDF मिल जाएगी, ठीक है। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का 13 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन पेपर, तो देख लीजिए आ गया वीडियो क्वेश्चन। देखिए, वेलकम टू यूनिवर्सल स्टडी चैनल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, 13 प्रैक्टिस सेट, पहला प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन दे दिया है, थोड़ा बड़ा कर लिया जाए जिससे समझ में आए आप लोग का क्वेश्चन बढ़िया से। तो आप लोग पहले अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने से ट्राई करने के बाद 5 सेकेंड, मतलब मैं वीडियो रोक बोल 5 सेकेंड में आंसर बता दूंगा, आप लोग मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। और लास्ट में सारी 25 क्वेश्चन का सब कम से कम आप लोग का 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कितना स्कोर था, ठीक है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगला चांस भी प्रैक्टिस सेट में देखिएगा। तो देखिए, आज का प्रैक्टिस सेट दे दिया है, दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूट कर कौन ले गया? दोस्तों बताइएगा, दिल्ली से कोहिनूर हीरा कौन लेके गया लूट के? तब ए दिया है बाबर, बी दिया है मोहम्मद गौरी, सी दिया है नादिर शाह, और डी दिया है अब्दाली। तो दोस्तों बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बताइएगा। तो दोस्तों बताइए कौन सा अपन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही सी क्वेश्चन आप लोग करेक्ट हो जाएगा, नादिर शाह, याद करिएगा, सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, नादिर शाह। तो देखिए, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया है इसी प्रकार, देख लीजिए सी आंसर करेक्ट है, और दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार दे दिया है। दोस्तों देखिए, बायो गैस में कौन सी गैस होता है? दोस्तों बताइएगा, बायोगैस में कौन सी गैस होती है दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए दिया है मैथेन, बी दिया है नाइट्रोजन, सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी दिया है ऑक्सीजन। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बताइएगा, और 5 सेकंड मॉडल देते हैं, और उसके बाद ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मतलब बता देंगे, अब मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का ए, मेथेन गैस, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया है अजंता गुफा में किससे संबंधित कला पात है? दोस्तों बताइएगा, अजंता गुफा की किससे संबंधित कला पात है? तो ए दिया है देखिए महाभारत दिया है, बी दिया है जैन धर्म दिया है, सी दिया है बौद्ध धर्म दिया है, डी दिया है इनमें से कौन है? दोस्तों बताइएगा क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अजंता गुफा। बिल्कुल दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार पूछ दे अजंता गुफा ये कहाँ पर है? दोस्तों बताइएगा ये कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में, भूलिएगा मत, महाराष्ट्र में ये, ठीक। तो देखिए, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन दिया है शिवाजी के पिता के क्या नाम था? दोस्तों बताइएगा शिवाजी के पिता का क्या नाम था? ए दिया है शाहजी घोसले, और बी दिया है तात्या टोपे, और सी दिया है संभाजी, और डी दिया है नाना साहब। तो दोस्तों बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल चौथा क्वेश्चन का बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा एकदम, शाहजी घोसले, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी घोसले। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया है पांचवा क्वेश्चन दे दिया है संस्कृत की पुस्तक अर्थ अध्ययन के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइएगा, देखिए ये गलत हो गया है, और ये अर्थ अध्ययन, ठीक है, ये रहेगा
तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल देखिए संस्कृत पुस्तक अस्त्र अध्ययन के लेखक कौन है, तो ए दिया है पांडनी, बी दिया है पतंजलि, सी दिया है महादेवी वर्मा, डी दिया है कपिल। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पांच क्वेश्चन का बताइएगा बिल्कुल कुछ दोस्तों, बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल पांडनी, ठीक है एक करेक्ट हो जाएगा पांडनी, याद रखिएगा भूलिएगा मत एक करेक्ट है बिल्कुल। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लिया जाए, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवां क्वेश्चन दे दिया देखिए इसी प्रकार छः क्वेश्चन आ गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन से है दोस्तों बताइएगा सबसे प्राचीन वेद, तो आप लोगों का समझ में आता है मैं ऑप्शन बोल दे रहा हूँ ये थोड़ा कलर चेंज हो गया है। तो देखिए पहला ए दे दिया है ऋग्वेद, और बी दे दिया है सामवेद, और सी दे दिया है यजुर्वेद, और डी दे दिया है भगवत गीत। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, तो आई होप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट पूरा हो जाएगा ऋग्वेद, याद रखिएगा ए ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन दे दिया है, सात क्वेश्चन दिया देखिए भारत और चीन के बीच रेखाओं का क्या कहते हैं दोस्तों बताइएगा क्या कहते हैं, ए दिया है रेड क्लिफ, बी दिया मोहन मैकमोहन रेखा, सी दिया है ड्रेंट रेखा, और डी देखिए कैस्पियर। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सात क्वेश्चन का बताइएगा दोस्तों, आई होप सभी को पता होगा ये बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, भारत और चीन के बीच रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है या बिल्कुल मैकमोहन रेखा, ठीक है याद रखिएगा मैकमोहन रेखा कहते हैं, बी बिल्कुल करेक्ट है। और पूछ दिया जाए रेड क्लिफ रेखा, तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है बीच का रेखा है, याद रखिएगा भूलिएगा मत रेड क्लिफ ये भारत और पाकिस्तान, और ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, याद रखिएगा भूलिएगा मत दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, आठ क्वेश्चन दे दिया है, गवर्नर की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है दोस्तों बताइए, गवर्नर की न्यूनतम आयु कितनी होती वर्षीय है, तो देखिए ए दिया है 25 वर्ष, और बी दिया है 30 वर्ष, सी दिया है 35 वर्ष, और डी दिया है 40 वर्ष। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का 35 वर्ष करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भूलिएगा मत। तो इसी प्रकार देख लीजिए नौ क्वेश्चन दे दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी वर्ष होती है दोस्तों बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी वर्ष होती है, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ए दिया है 56 वर्ष, बी दिया है 65 वर्ष, सी दिया है 60 वर्ष, और डी दिया है 65 वर्ष। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नौ क्वेश्चन का बिल्कुल बताइएगा दोस्तों, आप लोग का बी करेक्ट है बिल्कुल 65 वर्ष, याद रखिएगा भूलिएगा मत दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, दसवां क्वेश्चन, और दसवां क्वेश्चन आप लोग को दे दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था, ए दिया सुभाष चंद्र बोस, बी दिया लाल लाजपत राय, और सी दिया महात्मा गांधी, डी दिया मौलाना आज़ाद। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल बताइएगा, दस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बताइएगा, तो आप लोग करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन महात्मा गांधी, ठीक है याद रखिएगा भूलिएगा मत दोस्तों। तो देखिए 11 क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार, 11 क्वेश्चन दे दिया, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों बताइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो ए दिया है गया में, और बी दिया है लुम्बनी में, और सी दिया है सारनाथ में, और डी दिया है गोरखपुर में। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल बताइएगा, 11 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आप लोग का सारनाथ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया है 12 क्वेश्चन, स्वामी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थ करते हैं तो दोस्तों बताइएगा कौन से तीर्थ करते हैं, तो ए दिया है 21वें, बी दिया है 22वें, सी दिया है 24वें, और डी दिया है 26वें। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल बताइएगा, 12 क्वेश्चन का बिल्कुल कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो दोस्तों आप लोगों का डी का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 26वें, याद रखिएगा भूलिएगा मत, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 13 क्वेश्चन दिया आप लोग का देखिए, 13 क्वेश्चन दे दिया है 2024 का ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों बताइएगा, 2024 का ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा, ए दिया है पेरिस, बी दिया है कतर, सी दिया है एथेंस, और डी दिया सार्डिन। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आप लोग का बी करेक्ट होगा, कतर में, ठीक है दोहा कतर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है विक्रम संवत कब आरंभ हुई तो दोस्तों बताइएगा, विक्रम संवत कब आरंभ हुई, ए दिया है 58 ईसा पूर्व, और बी दिया है 78 ईसा पूर्व, और डी सी दिया है 18 ईसा पूर्व, तो और डी दिया है 50
ईसा पूर्व। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 क्वेश्चन का, बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है 58 ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों, विक्रम संवत का 1258 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन दिया, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, बताइएगा भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए यहाँ पर देगा हुआ क्वेश्चन ऑप्शन दिया होगा, तो भारत में सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, बी दिया है, भांगड़ा बांध है, सी दिया है, चंबल बांध है, और चंबल वैसे डी दिया है, डेहरी बांध है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइएगा 15 क्वेश्चन का, दोस्तों बिल्कुल बताइए 15 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, हीराकुंड बांध, भूलिएगा मत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन दे दिया है, छोड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताइएगा। इस हर में से बार बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आता है, तो बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है बी ऑप्शन करेक्ट है, अमृतसर में, पंजाब में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है 17 क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का नृत्य है दोस्तों, बताइएगा। ए दिया बिहार, उत्तर प्रदेश, सी दिया है असम, डी दिया गुजरात। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम के, याद रखिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का लेखक कौन है दोस्तों, बताइएगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का लेखक कौन है बताइएगा, अरुंधति राय, आर के नारायण, अमृता प्रीतम, या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों बताइएगा महासविता यादव। दोस्तों बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, बिल्कुल 18 क्वेश्चन का दोस्तों बताइएगा। तो आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और अरुंधति या ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन दिया 19 क्वेश्चन आप लोग को दिया है, रियो ओलंपिक खेल 2016 के कुश्ती में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, बताइएगा। प्रथम महिला भारतीय कौन थी, ए दिया है पी डी उषमा, बी दिया है सुमिता रानी, सी दिया है संतोष यादव, और डी दिया है साक्षी मलिक। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 क्वेश्चन, बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक, डी ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन दे दिया इसी प्रकार देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो देखिए सुजीता कृपलानी पहला दिया है, बी दिया है सरोजिनी नायडू, सी दिया है विजय लक्ष्मी पंडित, डी दिया इंदिरा गांधी। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। 20 क्वेश्चन का आप लोग बहुत जवाब बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी क्वेश्चन आप लोग सी ऑप्शन विजय लक्ष्मी पंडित, याद रखिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों, बताइएगा। इस समय भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आप लोग का बिल्कुल पता होगा, तो 28 राज्य है, पहले 29 थे, अब 28 हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर अब आर्टिकल 35 मतलब 35 आर्टिकल ये हट गया, 35 आर्टिकल 35 ए हट गया है, 350 आर्टिकल, तो ये कब हटा है दोस्तों, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये कब हटा है जम्मू कश्मीर से 350 आर्टिकल 35 आर्टिकल कब हटा है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दिया है, 22 क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ दोस्तों, बताइएगा। शिमला समझौता कब हुआ, ए दिया 1972 ईस्वी में, बी दिया 1975 ईस्वी में, और सी दिया है यहाँ पर देख लिया 1965 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, डी दिया है। तो दोस्तों बताइएगा कब हुआ था, बिल्कुल 22 क्वेश्चन बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल दोस्तों आप लोग का ए करेक्ट हो जाएगा 1972 ईस्वी में, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लिया जाए, 23 क्वेश्चन दे दिया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है, तो बताइएगा दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है, ए दिया अभिजीत बनर्जी, बी दिया है अमर्त्य सेन, और सी दिया है हरगोविंद सिंह खुराना, और डी दिया ए और बी दोनों। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए और दोनों करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, बताइएगा। आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चन, और देखिए ये पहला दे दिया है देहरादून, बी दिया है रायपुर, सी दिया है रांची, और डी दिया है छत्तीसगढ़। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, भूलिएगा मत। देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं, 25 क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देख लीजिए एफिल टावर कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइएगा। ए दिया लंदन, बी दिया न्यूयॉर्क, और सी दिया कोलकाता, डी दिया है पेरिस। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बताइए 25 क्वेश्चन का, बिल्कुल बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 25 क्वेश्चन का डी पेरिस, याद देखिए, भूलिएगा मैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये 25 क्वेश्चन, तो आप लोग का ये कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस सेट, 13 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी जिन कैंडिडेट भी नहीं देखे हैं तो जाकर बिल्कुल देख लीजिए। तो दोस्तों अब तक की पूरा टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो 13 पार्ट हो चुका है, आप लोग का 13 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं।
तो ये भी जारी रहेगा, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है। तो देखिए 13 × 25 क्वेश्चन होता है ना, तो बिल्कुल आप लोग का 325 क्वेश्चन टोटल हो गया है, आप लोग का 325 क्वेश्चन टोटल हो चुका अभी तक भी। तो मैं अभी प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, और देखिए 325 क्वेश्चन हो चुका है। तो आप लोग डिस्कशन बॉक्स में ये मतलब टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको हर एक PDF मिलेगा, ठीक है। इसका PDF मैं भी डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डाल दूँगा यहाँ से। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, उसमें हर एक क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के जय हिंद, जय भारत।